हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बना रहे हैं आलू और बैंगन की सूखी सब्जी, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का जो तेल होता है उसमें ये आलू बैंगन की सूखी सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो तेल को सबसे पहले हम गर्म कर लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। तो ये मैंने लिए 3 सूखी लाल मिर्च, जिनको कूट के ना पानी के अंदर डाल लिया है। अब हम लेते हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही हम लेंगे धनिया पाउडर। धनिया थोड़ा सा हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, और स्वाद के अनुसार हमें डालना है नमक। तो 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया नमक। मसाले जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी और डाल देना है ताकि हमारे जो ये मसाले अच्छे से फूल जाएं, इसलिए पहले ही मसाले हमने भिगो के रख दिए हैं। तेल गर्म होने के बाद उसमें हमें डाल देना है जीरा, और इसके साथ ही हमें डालें 6 से 7 कड़ी पत्ते। जीरा हल्का सा चटक गया तो अब हमें डाल देनी है प्याज। ये 1 प्याज काट के रखी थी मैंने, और वो प्याज डाल दी है। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। प्याज के साथ ही हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना कर रखा था कुंडी चोटे में। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे, अच्छे से फ्राई करना है हमें लहसुन प्याज और अदरक को। देखिए प्याज जो है हमारी लगभग फ्राई हो गई। तो प्याज फ्राई होने के बाद हमें इसमें डालना है टमाटर। तो ये एक ही मैंने टमाटर डाला है, और टमाटर को भी हमें हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ये जो आलू बैंगन की सब्जी है, जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और बच्चे भी सब्जी को शौक से खाते हैं। वैसे से तो देखिए बैंगन का नाम लेते ही बच्चों का मुंह चढ़ जाता है कि हमें बैंगन की सब्जी नहीं खानी, लेकिन जब हम बैंगन की सब्जी को थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में और सूखी सूखी बनाकर तैयार करेंगे तो बच्चे भी इसको शौक से खाएंगे। अब टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद हमें डाल देना है जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, हल्दी नमक धनिया सारा मसाला डाल दिया है। और मसाले को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, क्योंकि मसाला जितना अच्छा पकेगा सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। मसाला देखिए हमारा पककर अच्छे से हो गया है तैयार। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बैंगन और आलू। तो ये देखिए ये मैंने बैंगन काटे हैं, और ये आलू हैं वो काटे हैं। इनके आगे का जो ये है नक्कु, ये मैंने नहीं काटा है। इसमें क्या होता है कि बैंगन की जो सब्जी बनाते हैं इसमें हमें आगे का ये जो बैंगन का पार्ट है ये नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बैंगन का टेस्ट बरकरार रहता है और सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से इनको अच्छे से धो लीजिए, लेकिन काटना नहीं है। तो जब हम सब्जी खाते हैं तो हम अचार की तरह ही सब्जी को खा सकते हैं, देखने में भी अच्छी और वैसे भी टेस्टी। तो और आलू और बैंगन, आलू को तो वैसे हम वैसे पानी में काट सकते हैं, लेकिन बैंगन जो होता है उसको हमें पानी में नमक डालकर काटना चाहिए। अगर हम वैसे काटेंगे तो बैंगन जो है काला पड़ जाता है और उसमें कड़वापन आता है। इसलिए मैंने बैंगन को देखिए वैसे कि वैसे है, पानी में थोड़ा सा नमक डाल के तब बैंगन को काटा। अब सारे मसालों को हमें आलू और बैंगन के साथ मिक्स कर देना है। सारी सब्जी को देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब इसको हम ढक के लो और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आपको के पास काफ़ी टाइम है तो आप इसको लो फ्लेम पे पका सकते हो, अगर आपको जल्दी चाहिए तो मीडियम फ्लेम पे पका सकते हो। बीच बीच में हमें सब्जी को चेक करते रहना है, और गैस को मैंने कर दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे। पानी का मैं इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी, बिल्कुल ही सूखी सब्जी बनाऊँगी। तो देखिए ये हमारी बैंगन की सब्जी बनकर हो गई है तैयार, बिल्कुल ही टेस्टी सूखी सूखी सब्जी बनाई है। पानी का मैंने इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, या कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ भी आप लेके जा सकते हो, लंच बॉक्स में दे सकते हो। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये।
तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।